हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज देख सकते हैं हमारे पास एक सनसुई का टीवी आया हुआ था। ये टीवी हमने आधा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसमें कुछ खास है जो कि मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी इसमें मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। इसमें मदरबोर्ड के साथ साथ पैनल में भी फॉल्ट है। मदरबोर्ड इसमें आसमानी बिजली गिरने से ख़राब हुआ है और सेम मदरबोर्ड हमें मिल नहीं रहा है। हमने इसमें दूसरा मदरबोर्ड यूज़ किए हैं, वो कौन सा मदरबोर्ड है और कैसे फिट किए हैं ये जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम इसके पैनल में जो फॉल्ट है वो भी देखेंगे। पहले हम ऑन करके इसकी कंडीशन, फ़िलहाल जो कंडीशन है इसको देख लेते हैं। दोस्तों, टीवी में हमने सप्लाई दे दिए हैं, ये देख सकते हैं। इसमें इस तरह की पिक्चर बन रहा है। इसमें हमने दूसरा मदरबोर्ड डाले हैं। मदरबोर्ड इसकी बिजली गिरने से टोटली बर्न हो गया है। इसका प्रोसेसर आईसी जो है वो फट चुका है। अब जो है इसमें पैनल का फॉल्ट आया है, तो इसको भी हम सही करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस तरह की फॉल्ट की नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। किस वजह से आता है और आप कैसे पता करेंगे एक्चुअल में यह फॉल्ट है किस चीज़ का, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम टीवी को सीधा करते और इसमें जो बोर्ड हमने यूज़ किए, कौन सा यूज़ किए, क्यों यूज़ किए, ये सारी डिटेल हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद हम पैनल पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक्चुअल में कस्टमर का कहना है वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते इस टीवी में। तो उनका कहना था कि जितने कम कॉस्ट में हो सके उनको टीवी कंप्लीट कर दिया जाए। बाद में जब हमने इस टीवी में बोर्ड लगाया, सोचा खाली बोर्ड लगाने से हो जाएगा, फिर देखा पैनल में भी दिक्कत है, तो खर्चा तो थोड़ी बहुत लेना ही पड़ेगा। जिस वजह से हमने इसमें एक सेकेंड हैंड मदरबोर्ड यूज़ किया है और ये 24 इंच का बोर्ड है। देख सकते हैं इसमें कन्वर्टर भी लगा हुआ है जो 5 वोल्ट का है, क्योंकि ये बोर्ड भी ख़राब था। इसका जो 5 वोल्ट की रेगुलेटर थी वो ख़राब थी, बर्न थी, और उसका ट्रैक भी यहाँ ख़राब हो चुका था। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता सके। ये देखिए, यहाँ जो रेगुलेटर लगा हुआ था यहाँ का ट्रैक भी बर्न हो गया। यहाँ रेगुलेटर लगाना संभव नहीं था, तो हमने इसमें अलग से एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाया जिसमें 12 वोल्ट इनपुट देकर हमने 5 वोल्ट की सप्लाई निकालकर इस कॉइल पर दिए, तो ये बोर्ड चालू हुआ। फिर हमने इस बोर्ड को इंस्टॉल किया। इस बोर्ड को इंस्टॉल करने का मेन रीज़न था, इसमें जो बोर्ड लगा हुआ था आप देख सकते हैं, ये वाली कॉम्बो बोर्ड है ये भी, लेकिन इसमें जो कनेक्शन है एक ही साइड में है सारे, और जो दूसरा कॉम्बो बोर्ड हम 32 इंच वाली अगर लगाना चाहे तो इसमें फिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जगह की समस्या है। इसकी जो छोटी वाली बैक कवर है देख सकते हैं, इसमें लगापना संभव नहीं है, एक ही साइड में पिन है। तो हमने सोचा 24 इंच की बोर्ड इसमें फिट किया जाए। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो बैकलाइट है, कि बैकलाइट 40 वोल्ट से नीचे की लोड ले रहा है, तो हमें इस बोर्ड से वो बैकलाइट भी जला सकते थे। और कॉम्बो भी है, अगर छोटी यूनिवर्सल बोर्ड लगाना चाहे उसके लिए हमें पावर सप्लाई लगेगा, बैकलाइट ड्राइवर लगेगा, जबकि ये बोर्ड लगाने से हमें सारे चीज़ें इसी में हो रहा है क्योंकि बैकलाइट की लोड भी काफ़ी अच्छा ये ले लेगा। तो ये सोचकर हमने 32 इंच में 24 इंच का बोर्ड को इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद पता चला कि इसमें पैनल का इशू है, लेकिन इसमें एक दिक्कत और थी। इसमें जो सेंसर की कनेक्शन था आप देख सकते हैं ये बोर्ड में, यहाँ पर सेंसर दिया हुआ था। ये सेंसर है, एलईडी है, सब यहाँ पर है, और ये पाइप जो ओएफसी पाइप कह सकते हैं हम इसको, इसके ज़रिए ये सेंसर की कनेक्शन मतलब एलईडी की जो रोशनी है वो भी यहाँ से निकलेगा और रिमोट आईआर भी यहाँ से इसके पाइप के ज़रिए यहाँ तक जाएगा। तो हमने अंदर ही यहाँ फिक्स कर दिए देख सकते हैं सेंसर और एलईडीज को, और यहाँ से ये पाइप के ज़रिए ये जो ओएफसी कह सकते हैं आप, इसके ज़रिए यहाँ तक आएगा सेंसर कनेक्शन। ये भी तो हो गया। अब रीज़न यही था इसमें कि हमने 24 वोल्ट की इंच की टीवी की जो मदरबोर्ड है इसमें इंस्टॉल करना पड़ा। देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसर है,
किस तरीके से फट चुका है। सो इसलिए हमने इस बोर्ड को अलग किए, इसको इंस्टॉल इसको रिपेयर करने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं किए, हमने सीधे बोर्ड डाल दिया। अब जो फॉल्ट इसमें आया है, फॉल्ट आप देखे होंगे किस तरह का फॉल्ट इसमें है। अब स्क्रीन में जो दिक्कत है उससे आपको पता चल सकता है पहले ही कि एक्चुअल में ये फॉल्ट जो स्क्रीन में आ रहा है वो फॉल्ट एक्चुअल में है किस सेक्शन का, इस बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि फॉल्ट की अलग अलग जो उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होता है, तो आपको सिम्टम्स देखकर पता ये करना होगा कि एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ का है, नहीं तो अगर ढूंढते रह जाएंगे सारे जगह आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसका फॉल्ट किस चीज़ का हो सकता है, कहाँ का हो सकता है। तो सबसे पहले हम फिलहाल इसकी जो वोल्टेज है वो मेजर कर लेते हैं, वो कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल देंगे कि ये जो फॉल्ट है वो किस वजह से आता है। रिपेयर होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो फॉल्ट किस वजह से और आता है और वो फॉल्ट किस तरह का होता है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पैनल VCC देख लेते हैं, सेट ऑन नहीं हुआ अभी तक। पैनल VCC प्रॉपर आ रहा होगा तभी तो स्क्रीन में कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है। पैनल VCC 12 वोल्ट इसमें ओके है, DVDD 3.3 वोल्ट ये भी ओके है, यहाँ पर VAA है मतलब ये AVDD है, HVAA है जो कि AVDD का हाफ होना चाहिए जबकि 6.74 वोल्ट बन रहा है, ओके है। VGL की सप्लाई -7.95 लगभग -8 वोल्ट बन रहा है, VGH की सप्लाई जो है 27 वोल्ट प्रॉपर है, VCOM 2 का टेस्ट पॉइंट है जो कि 9 वोल्ट है, और तो कोई नज़र नहीं है। ये एक है VDD33 लिखा हुआ है, जो भी हो 2.878 वोल्ट है। एक्चुअल में DVDD जो है वो 3.3 वोल्ट यहाँ प्रॉपर है, लेकिन जो VDD33 लिखा हुआ है यहाँ पर वोल्टेज थोड़ी सी कम हमें लग रहा है। सो जो भी हो तो लगभग इसमें सारे वोल्टेज ओके हैं, लेकिन जो स्क्रीन की सिम्टम्स है इससे ऐसा लग रहा है कि ये गामा का फॉल्ट होगा, लेकिन गामा का वोल्टेज जो है ये देख सकते हैं 14 वोल्ट से स्टार्ट है। गामा की वोल्टेज यदि आपको नहीं मालूम तो एक बार ये चीज़ें जान लीजिए, गामा जो होते हैं अलग अलग टीवी में अलग अलग गामा के टेस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें 14 गामा की टेस्ट पॉइंट है जो कि यहाँ है। ये DC-to-DC IC से ही इसमें गामा की जो वोल्टेज है आउटपुट हुआ है। सो ये DC-to-DC IC लेवल शिफ्टर का काम भी कर रहा है, गामा का काम भी कर रहा है, और जो बूस्ट सप्लाई है उसका काम भी कर रहा है ये DC-to-DC IC। तो यहाँ 14 टेस्ट पॉइंट है गामा की। तो गामा का वोल्टेज क्या होता है, गामा का जो वन टेस्ट पॉइंट होता है वन नंबर, इसमें आपको जो AVDD की वोल्टेज है जबकि यहाँ दिख रहा है देख सकते हैं, उसके बाद जो गामा टू होगा उसमें थोड़ी सी कम होगा, देख सकते 13.47 वोल्ट है। उसके बाद गामा जो थ्री है इस पर और थोड़ा कम होगा, तो ऐसे गामा वन से ये घटता हुआ जाएगा और 14 तक आके ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। देख सकते हैं 13 में भी कुछ वोल्टेज है, 14 में देख सकते हैं ये किस तरीके से कम होता हुआ जा रहा है, ये किस तरीके से कम होता हुआ जा रहा है। तो गामा का वोल्टेज जो है 14 वोल्ट जो AVDD की वोल्टेज होता है, आपके सेट में AVDD का वोल्टेज जो भी बन रहा हो AVDD के वोल्टेज से वो घटता हुआ जाएगा। गामा के फर्स्ट टेस्ट पॉइंट पर AVDD का वोल्टेज दिखेगा जो कि 14 वोल्ट होगी, 13 वोल्ट होगी, जो भी होगा आपके सेट में AVDD की वोल्टेज वो गामा के फर्स्ट टेस्ट पॉइंट पर आपको दिखेगा, फिर वहां से घटता हुआ जाएगा आखिरी में, एकदम सिंपल तरीके से घटता हुआ जाएगा
यदि आपको इस वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगे या फिर लगभग दो तीन टेस्ट पॉइंट में सेम वोल्टेज दिखे या फिर ना दिखे, तो ये गामा का फॉल्ट आप समझ सकते थे, या फिर इस तरीके का फॉल्ट होने से वो गामा का फॉल्ट होता है। गामा का वोल्टेज इस तरीके से घटता हुआ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा, बहुत कम नहीं घटेगा, तो इस तरीके से गामा का वोल्टेज होता है। अब आपने देख लिया कि गामा का वोल्टेज इसमें ओके है, लेकिन हमें जानना ये है कि गामा की जो वोल्टेज है इसमें यदि गड़बड़ हो तो सिम्टम्स किस तरीके का आएगा स्क्रीन में, वो भी जानना जरूरी होता है। ये स्क्रीन लगभग वाइट टाइप का आ रहा है, पिक्चर भी आ रहा है लेकिन वाइटनेस के साथ आ रहा है। और एक चीज़ खास बात इसमें हम आपको बता दें, यहाँ वीकॉम 2 का टेस्ट पॉइंट हमने बताया, वीकॉम 2 पर 9 वोल्ट बन रहा है, लेकिन और एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये वीकॉम है, वीकॉम पर 0 वोल्ट है, जबकि वीकॉम 2 में 9 वोल्ट बन रहा है। तो वीकॉम में कम से कम 5 वोल्ट या 6 वोल्ट के आसपास होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमें दो चीज़ें इसमें अब नॉर्मल लग रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो यहाँ अगर 3.3 वोल्ट भी होगा तो भी 2.8 वोल्ट है, लगभग स्क्रीन में इतना डिफरेंस नहीं आ सकता 3.3 वोल्ट की वजह से। तो ये वीकॉम से रिलेटेड फॉल्ट इसमें हमें फिलहाल तो लग रहा है। तो साइड स्क्रीन में हम आपको दो फॉल्ट मेंशन करेंगे, जो कि आपको वहां बताएंगे कि गामा की जो फॉल्ट है वो किस तरीके का होता है और वीकॉम का जो फॉल्ट है वो किस तरीके का होता है। दोस्तों देख सकते हैं, हम चार पिक्चर स्क्रीन में लगाए हैं, एक और दो ये गामा से रिलेटेड होता है, एक नंबर में बिल्कुल वाइट है और दो नंबर में कलर के साथ नेगेटिव पिक्चर है, तीन नंबर वीकॉम से रिलेटेड है, इसमें कलर नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव पिक्चर आएगा भूतिया जैसा, चार नंबर पिक्चर जो है ये कुछ 24 इंच के टीवी के मॉडल में आता है, जो कि एवीडीडी और एचपीडीडी में आपस में शॉर्टिंग की वजह से आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने ट्रेस किया तो पता चला ये जो DC-to-DC IC है इसकी इस कोने में, यहाँ देख सकते हैं 37 नंबर पिन, नीचे से आखिरी नंबर पिन, इस पिन पर से 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रहा है, जो कि ये वीकॉम की सप्लाई है। ये कुछ दूर तक हमें आता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन उसके बाद ये सप्लाई गायब हो जाता है और ये वीकॉम के टेस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। तो हम पहले इस चीज़ को ट्रेस कर लेते हैं क्यों नहीं पहुंच रहा है, फिर हम आगे आपको डिटेल देते हैं। दोस्तों हमें इसमें फॉल्ट जो है मिल चुका है, आप देख सकते हैं एक 0 ओम्स की रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये एक 0 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअल में हमने ट्रेस किया तो पता चला इस 37 नंबर पिन से आउट होके यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस साइड में आया, एक कैपेसिटर लगकर यहाँ फिल्टर हुआ और फिर सीधे इस टेस्ट पॉइंट तक पहुँचा। ये रेजिस्टेंस जो है ख़राब है। अब हम इसमें एक जम्पर कर देते हैं, शोल्डर के जरिए हम इसको पूरे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं स्क्रीन की कंडीशन। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमने शोल्डर के जरिए इस रेजिस्टेंस की जगह को हमने भर दिए हैं और फिर जो गामा की टेस्ट पॉइंट है वीकॉम की, यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट हो चुका है। चलिए अब स्क्रीन की तरफ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लू स्क्रीन इसमें प्रॉपर बन चुका है, वीडियो सिग्नल। ये देखिए दोस्तों, ये टीवी प्रॉपर ओके हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी स्क्रैप में से हम एक 0 ओम्स की रेजिस्टेंस उठा के यहाँ पर लगाएंगे। सॉरी दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इतना छोटा है, इसको लगाने में मेरे को दिक्कत आ रहा है क्योंकि आँखों की थोड़ी दिक्कत है,
सो आप इसको मत छोड़िएगा, आप यदि लगा सको तो स्क्रैप में से निकाल के यहाँ जीरो ओम्स के रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं तो बेहतर होगा। मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्पर ही कर दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस लगाना थोड़ा सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आपने देखा इस फॉल्ट को हमने किस तरीके से शॉर्ट आउट किया, और उम्मीद है कि आपको जो दो फॉल्ट हमने बताया कि गामा का फॉल्ट किस तरीके का होता है और वीकॉम का फॉल्ट किस तरीके का होता है, दोनों दिखने में सेम लगता है, बस समझ के अंतर है। आपको ध्यान से देखकर उस फॉल्ट को समझना होगा कि एक्चुअल में यह फॉल्ट है किस चीज़ का, फिर आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं फॉल्ट को। आपको फाइंड आउट करने में समय कम लगेगा, समय की बचत होगी। सो यही रीज़न था कि हम आपको बताना चाहते थे कि फॉल्ट को आप कैसे ढूंढें और कैसे पहचाने कि ये फॉल्ट एक्चुअल में है कहाँ का। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।